नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र के मिश्रौली गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। इस घटना में पीआरबी का चालक और एक कांस्टेबल घायल हो गए। हमले में पुलिस की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। सूचना पर थाने से पहुंची फोर्स ने हालात को संभाला। यह मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने दो लोगों को मुकदमा दर्ज कर तथा 21 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दी चले कि एक पक्ष का पूरा परिवार जुटा है और चक्रोड की जमीन में मिट्टी भरकर रास्ता बनाने लगे। दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा था। इस बात को लेकर नोकझोंक के बाद मारपीट शुरू हो गई। तभी दूसरे पक्ष ने डायल 112 नंबर पर सूचना दी। सूचना पर कुछ ही देर में पीआरबी की गाड़ी पहुंच गई। पुलिस कर्मियों की पूछताछ करने के दौरान एक पक्ष की महिलाओं व अन्य लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में ईंट से पीआरबी के चालक संजीत शर्मा का सिर फूट गया और लहूलुहान हो गया। यही नहीं, कांस्टेबल राम आशीष यादव भी घायल हो गए। हमले में पुलिस की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। पुलिस टीम ने इसकी जानकारी अधिकारियों को दे दी। थाना तरकुलवा के मिश्रौली गांव में आज एक जमीन को लेकर के एक पक्ष का स्टे था। उसी पर उनका जो दूसरा पक्ष है वो उस जमीन को बनाने का प्रयास कर रहा था। तभी पुलिस को 112 नंबर की गाड़ी को फोन कर दिया। वहाँ पर हमारी पीआरबी पहुँची और उन्होंने उसने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। इसी समय कुछ लोगों ने जो है वो पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे हमारी पुलिस के दो पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं और पुलिस की जो गाड़ी है उसका एक शीशा भी टूट गया है। इस घटना को लेकर के लगभग एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।